हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल द होम मिनिस्टर पर। दोस्तों, अगर आपको भी कॉफी पीना बहुत पसंद है तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही काम का हो सकता है। आज मैं आपके साथ एकदम सिंपल सी ट्रिक्स शेयर कर रही हूं कि आप खाली बॉटल से कॉफी किस तरह से बना सकते हैं। एकदम मिनटों में झाग वाली टेस्टी कॉफी बन जाती है बिना किसी मेहनत के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसके लिए मैंने ये खाली बॉटल ले ली है। आप कोई भी मिल्क शेक वगैरह की बॉटल भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि उसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, थोड़ा वाइड माउथ की होना चाहिए ताकि हम इसमें चीजें आसानी से डाल सकें। सबसे पहले इसमें डालेंगे कॉफी पाउडर। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर कॉफी पाउडर डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफी है तो मैं थोड़ा कम यूज कर रही हूँ इसे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कॉफी पाउडर यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 चम्मच कॉफी पाउडर डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको बस चीनी ले लेना है और उसे ग्राइंडर में पीस कर उसका पाउडर बना लेना है। तो ये मैं 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ। आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से चीनी डालिए। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर चीनी डाल रही हूँ। थोड़े से आइस क्यूब भी डालेंगे। तो ये मैं थोड़ी सी बर्फ भी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें एकदम ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ दूध डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसकी कोल्ड कॉफी बना रही हूँ। और अगर आप गर्म कॉफी पीना चाहते हैं तो इसमें आइस ना डालकर आप इसमें गर्म दूध डालिए। और बस बॉटल को अब हम बंद कर लेंगे। इसे हमें पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा हम इसे खाली रखेंगे ताकि जब इसमें फिज बने तो उसके लिए जगह रहे। और बस इसे अब अच्छे से शेक कर लीजिए। तो 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से हमें हिलाना है। और ये देखिए बॉटल के अंदर झाग बनना शुरू हो गया है और ये हमारी कोल्ड कॉफी बनकर रेडी है। मैं इसे ग्लास में सर्व करके बता रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह से बॉटल को भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ऑफिस ले जाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बॉटल में इसे ले जा सकते हैं और 2-3 घंटे तक ये खराब नहीं होगी, तो आप इसे बाद में भी पी सकते हैं। ग्लास में थोड़ी सी बर्फ डालकर अब हम ये कॉफी डाल लेंगे। ये देखिए कितना फ्रॉथ बना है इसमें, आप झाग देख सकते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा ये झाग भी डाल देंगे कॉफी के ऊपर। थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे और ये हमारी झाग वाली टेस्टी कोल्ड कॉफी बनकर तैयार है। और मात्र 2 मिनट से भी कम समय में हमने ये बढ़िया सी कॉफी बना ली है। आप झाग देख सकते हैं कितना अच्छा झाग आया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब कॉफी पीने का मन हो तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।